केरला में एक हथनी को पाइनएप्पल में पटाखे डाल के वहाँ के कुछ लोगों ने खिला दिया। उन लोगों का नाम तक बाहर नहीं आया है, उन लोगों की आइडेंटिटी तक बाहर नहीं आई है, कोई केस हुआ है नहीं हुआ है, कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं बाहर आया अभी तक। दैनिक जागरण द्वारा एक ली गई वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे उसके मरे हुए शव को बाहर निकाला जा रहा है। पशुओं और जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार किया है। केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती हथनी मानव क्रूरता का शिकार बन गई। दरअसल केरल के मल्लापुरम में स्थानीय लोगों ने इस हथनी को पटाखों से भरा एक अनानास खिला दिया। यह अनानास मादा हाथी के मुंह में ही फट गया जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। ये मामला पिछले बुधवार का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी एक वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर दी। मोहन कृष्णन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये मादा हाथी खाने की तलाश में भटकते हुए जंगल से पास के गांव में आ गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे अनानास खिला दिया जिसमें पटाखे भरे थे। पटाखा हथनी के मुंह में ही फट गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। जख्मी होने के बाद भी उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खुद को राहत देने के लिए यह हथनी विल्यार नदी तक पहुंची और नदी के पानी में मुंह डालकर खड़ी हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे उसे थोड़ी राहत मिले। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की और पानी से बाहर निकाला, लेकिन शनिवार को हथनी ने दम तोड़ दिया। वो हथनी प्रेग्नेंट भी थी ये भी कहा जा रहा है, और उस बच्चे की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, वो भी पेट से निकाला गया होगा। कितना छोटा है, मैं समझ रहा हूँ कि इंसानियत की हद तक गिर गई है, मर गई है, और हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक नज़र आनी चाहिए और किस हद तक गायब है पूरी। स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल हाथ खड़े कर चुकी है ऐसा लग रहा है, ना कोई स्टेटमेंट आया ना कुछ, कोई एक्शन तो बहुत दूर की बात है। दूसरी ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माना आप हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन ह्यूमैनिटी के नाते तो आप प्रेशर बना सकते हैं इंटरफेयर करने के लिए, इतना तो किया जा सकता है। जनता हमारी बहुत लगी हुई है प्रेशर बनाने में, लेकिन अभी तक कुछ ठोस आया ही नहीं है। ऐसे दरिंदों को जीने का क्या हक है? मैं यहाँ पे एक एंगल और देना चाहता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, कसम से नहीं करना चाहता, लेकिन तारिक फतेह द्वारा एक ट्वीट मुझे मिला है, उन्हीं का ही ट्वीट मिला है कि वहाँ की आबादी में 70% हिस्सा मुसलमानों का है। मतलब डेमोग्राफिक परसेंटेज बताया जाए तो 70% मुसलमान रहते हैं, और उनका ये कहना है कि क्या कितने चांसेस हैं कि मुसलमानों द्वारा किया गया है। तो अगर किसी ने सिर्फ इसलिए किया है कि हम मजा लेंगे, हमें कहा गया है कि हर चार पैरों पर चलने वाली चीज़ को खा सकते हैं, उनको मार सकते हैं, तो इससे बड़ी जाहिलियत किसी को सिखाई नहीं जा सकती। और इनको सज़ा इतनी मिलनी चाहिए, मतलब रिलीजन के बेसिस पर सज़ा मिले ना मिले वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस एक्ट के लिए जो भी पकड़ा जाए, जो भी बिना पार्शियलिटी के जितनी कड़ी सज़ा दी जा सकती है दी जाए, और एक कानून उठाया जाए, एक कानून एक बिल लाया जाए कि किसी की रूह कांप जाए किसी जानवर पर अटैक करने से पहले, और स्पेसिफिकली बिल्कुल ऐसे शांत जानवरों पर। मैंने यहाँ तक की चीज़ें सुनी हैं इस केस के बारे में कि जब वो हथनी दौड़ रही थी तो उसने किसी को हार्म नहीं किया, वो नदी में चली गई और अपने आप को शांत करने की कोशिश की, कोई घर नहीं कुचला, किसी आदमी को नहीं कुचला, और नदी में खड़े खड़े मर गए। जख्मी होने के बाद भी उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खुद को राहत देने के लिए यह हथनी विल्यार नदी तक पहुंची और नदी के पानी में मुंह डालकर खड़ी हो गई। हम लोग क्या कर रहे हैं? खैर मैं चाहता हूँ जनता जितना प्रेशर बना सकती है बनाए, जितनी वीडियोस, ट्वीट्स, जो चीज़ें शेयर करो, ट्रेंड कराओ, एक्शन होना चाहिए। इंसानियत अगर आपके अंदर जिंदा है तो आप शेयर करिए, आप डिमांड करिए जस्टिस के लिए। खैर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।